बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चाहूंगी एक छोटा सा कट्टी सुना रही हूँ, दो चार मिनट हो जाए तो कोई केस दायर ना करिएगा। बिल्कुल जैसा कि दरबार सजा है, क्योंकि मेरी तरफ से आपने कहा कि अंतिम राउंड है। अच्छा अच्छा सेकंड राउंड। अब जैसा दरबार सजा है वैसा एक गीत दिमाग में आ रहा है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बड़े कि रिद्धि सिद्धि बहुए इन
वाह भोलेनाथ। एक बार माता लक्ष्मी ने ताना मार दिया, पार्वती तुम्हारे पास जेवर नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ ने एक बाल तोड़ दिया और जाके कहा कि लक्ष्मी इस बाल के बराबर धन ले लो। अब देखिए कुबेर का धन का खजाना कम पड़ गया, तो कहना पड़ा क्या बड़े। स्वयं लक्ष्मी जी आकर भी चढ़ गई, देखिए वो बाल के बराबर नहीं हो रही है, तो तो कहना क्या कि शर्मिंदा है इन पे लक्ष्मी, बाल पे एक तुल जाने मां। जब एक बाल के बराबर नहीं हुए, ये तो पूरे भंडारी हैं। कि शर्मिंदा है इन पे लक्ष्मी, बाल पे एक तुल जाने मां। सारी संपदा इनके घर में इन पर चलम गजेड़ी बने भांग ददूला लगाए रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते भगवान भोलेनाथ। तो कहना क्या? सारे देवता कहने लगे कि सारी संपदा इनके घर में तुम मन ना लगे कमाने मां। कैसे कमाए, क्योंकि जब सारी संपदा घर में है देखना कि जितनी दौलत इनके घर में। अब सारे देवता कह रहे हैं कि जितनी दौलत इनके घर में किसी के नहीं जमाने मां। कि जितनी दौलत इनके घर में उतनी नहीं जमाने मां। तो फिर भी कहते हैं कि धन धन Thank you.
तुम्हें ठंड में ठंड भी नहीं लगती है। बिल्कुल। अरे कान में पहने बिछुअन वाला कंठ हलाल धारी है। ये यहाँ तक कि आपने पिस को भी पी लिया। हाँ। होशियार बहुत है लेकिन कोरस वाले कमजोर है। बता रहे हैं काहे परेशान है। हाँ ये ज्यादा कुछ परेशान है।